यहाँ पर हमारे पास ये रेड लिटमस पेपर है, नीले कलर का लिटमस पेपर है, और ये मेरे पास टर्मरिक का पेपर है। टर्मरिक पेपर कैसे बनाना है भैया, ये देखिए, ये एसिड है, ये बेस है। नीले कलर का लिटमस पेपर है, एसिड में लाल हो गया, ये देखिए लाल, और ये ब्लू का ब्लू ही है। ये रेड लिटमस पेपर नजर आ रहा है, ये एसिड और ये बेस, ध्यान से देखो, एसिड और बेस। तो रेड लिटमस पेपर एसिडिक में रेडी रहेगा और बेस में कैसा हो जाएगा, नीला हो जाएगा। आई होप समझ में आ रहा है। टर्मरिक पेपर पीले कलर का, एसिड में भैया आपने बताया था कि एसिड और न्यूट्रल में पीला ही रहेगा, बेस में लाल हो जाएगा। ये देखो लाल पड़ गया, ब्रिक रेड कलर आ रहा है, ये देखो ध्यान से देखो, दिख रहा होगा ब्रिक रेड कलर आ रहा है, ध्यान से देखो। आई होप समझ में आ गया। मिथाइल ऑरेंज है। अब दो टेस्ट ट्यूब्स आपके समक्ष में लूंगा, यहां पे मैं बेसिक सब्सटेंस को ऐड कर रहा हूं और इसमें मैं एसिड को ले रहा हूं। अब देखिए मिथाइल ऑरेंज को मैं एक एक करके इसके अंदर डालूंगा। तो यहां पे देखिए मिथाइल ऑरेंज का रंग क्या हो रहा है, क्या ये पीला पड़ गया, इसके अंदर देखना क्या रंग आता है। ठीक है, दिख रहा है कलर, विजिबल है कलर। मिथाइल ऑरेंज को बेस में डाला तो पीला, और यहां पर यह बेसिकली क्या हो गया, ध्यान से देखो, पिंक या फिर रेड कलर बोल सकते हैं। ठीक है, अब फिनोफ्थलीन उठाएंगे, देखिए कलरलेस सॉल्यूशन है, कलरलेस सॉल्यूशन है, ये बेस है, इसमें डाल दिया मैंने, और ये एसिड है, इसमें डाल दिया मैंने, देखिए कोई परिवर्तन नहीं आएगा, दिख रहा होगा कोई परिवर्तन नहीं, कलरलेस सॉल्यूशन है। यहाँ पे क्या हो गया, ये पिंक कलर का सॉल्यूशन है। तो फिनोफ्थलीन इज कलरलेस इन द न्यूट्रल सॉल्यूशन, कोई न्यूट्रल हो गया तब भी ये कलरलेस होगा, एसिड में ये क्या होगा कलरलेस, और बेसिस में क्या होगा, ये पिंक होगा।